जनपद मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान संगठन व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के व्यापारियों ने एकत्रित होकर चीन की कायराना हरकत के चलते चाइना के सामान की होली जलाकर आक्रोश जताया। साथ ही लोगों को यह भी संदेश दिया कि पूरे देश में सभी लोग मिलकर चाइना के सामान का बहिष्कार करें, वहीं हमारे शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। व्यापारियों ने भी चीन के द्वारा निर्मित सामान को ना बेचने का निर्णय लिया। व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष राकेश त्यागी ने प्रधानमंत्री से मांग की कि जैसे चीन ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है, उसे उसी की भाषा में जवाब देने का काम करे। वहीं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के संगठन से जुड़े जोगेंद्र गोयल ने कहा कि चीन के सामान का बहिष्कार ही हमारे शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज जो है हमारी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा चाइना के सामान का बहिष्कार किया गया और ये संदेश दिया गया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाएगा। हमने इनके मोबाइल फ़ोन जलाए और चाइना से निर्मित जो भी कई सामान थे वे हमने यहाँ पे उनमें आग लगाई और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि चाइना का सामान हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं चलेगा और हम पूरे हिंदुस्तानी इसके सामान का बहिष्कार करेंगे। भारत माता की जय। हम चाइना के किसी भी सामान को नहीं बेचेंगे और चाइना सामान का बहिष्कार करेंगे। चाइना ने गद्दारी करते हुए जहां बातचीत करते हुए हमारी भूमि पर कब्जा किया, उधर कब्जा करता रहा, उधर बातचीत करता रहा और हमारे सैनिकों को घेर कर जिस तरह मारा, वो एक निंदनीय अपराध है जिसे चाइना को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि शहादत का बदला लिया जाए। ताज़ा और तेज़ खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।